गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो यस्टरडे आपने एक चैप्टर पढ़ा, आपका न्यू चैप्टर, चैप्टर 9, अप यू गो। तो बच्चों आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये चैप्टर, मुझे पता है, क्योंकि ये चैप्टर ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, माउंटेनियरिंग से रिलेटेड है। इसमें एक लेडी है संगीता और उसका ग्रुप माउंटेनियरिंग के एक कोर्स में उत्तरकाशी में कोर्स कर रहे हैं साथ में, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे कैसे उनको प्रॉब्लम्स हुई और कैसे उनके सामने परेशानियां आई इस कोर्स के दौरान, और उनको कितना डर लगा, और लेकिन जब उन्होंने ये अचीव कर लिया तो उसके बाद उनको कितनी खुशी हुई, है ना बच्चों। तो ये उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है, आपने इसकी पढ़ी होगी अच्छे से। तो आज उसी से रिलेटेड ट्रू और फॉल्स मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, आप लोग गेस करेंगे। अगर आपने वीडियो देखा है था अच्छे से तो आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर है, फर्स्ट है बच्चों, संगीता वॉज अ टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। ये ट्रू और फॉल्स है बच्चों? बिल्कुल ये ट्रू है। आपने स्टोरी में पढ़ा है कि वहां पर कई सारे टीचर्स ऐसे थे जो केंद्रीय विद्यालय के थे, ठीक है। तो संगीता भी केंद्रीय विद्यालय की एक टीचर थी। अ ग्रुप लीडर वॉक्स अहेड ऑफ द ग्रुप। आपको पता है ना, संगीता को जो ब्रिगेडियर थे ज्ञान सिंह, उन्होंने संगीता को लीडरशिप के लिए चूज किया था, है ना। उन्होंने संगीता को बोला था कि वो लीडरशिप करेंगी, और लीडरशिप में क्या होता है बच्चों, एक ग्रुप लीडर को आगे चलना होता है सबसे आगे। यस, उसको आगे चलना होता है, सबसे पहले टास्क उसको करना होता है। कोई परेशानी आए तो पहले उसको आगे जाना होता है, बाकी अपनी अपने जितने भी मेंबर्स हैं ग्रुप के उनको फिर सपोर्ट करके लाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मेडिकल चेकअप्स वर डन एवरी मॉर्निंग। क्या वहां पर ग्रुप के मेडिकल चेकअप्स डेली मॉर्निंग में हुआ करते थे? यस, ये भी ट्रू है। आपने पढ़ा था कि हर रोज वहां पर उनके मेडिकल चेकअप्स हुआ करते थे, फिर वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते थे उस दिन की। नेक्स्ट है, टेक्ला विलेज इज एट अ हाइट ऑफ 2600 मीटर। ये फॉल्स है बच्चों। टेक्ला विलेज आपने पढ़ा होगा किस हाइट में है, 1600 मीटर की हाइट में था, ठीक है। लास्ट है बच्चों, माउंट एवरेस्ट इज कॉल्ड सागरमाथा इन नेपाल। जो हमारे यहाँ की हाईएस्ट जो माउंटेन है वो क्या है बच्चों, माउंट एवरेस्ट, और उसका एक अलग नाम है नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या सागरमाथा कहा जाता है? यस, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है, है ना। तो ये बिल्कुल ट्रू है बच्चों। आपको ये ट्रू फॉल्स अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं, और मुझे बताना है कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी जो संगीता मैम ने स्टोरी सुनाई है। मतलब स्टोरी नहीं है, ये उनका एक एक्सपीरियंस है, ठीक है, रियल बेस्ड एक्सपीरियंस है उनका। तो उन्होंने उनका एक्सपीरियंस आपको कैसे लगा, और आपका भी मन करता है क्या आप भी ऐसा कोई कोर्स करो, आप भी माउंटेनिंग करो, है ना। तो मुझे आप लोग इसका आंसर्स देंगे, ओके, और इसको अपनी नोटबुक में